हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्लास 6 जेनरिक वर्कशीट नंबर GS3 दैट इज डेटेड फॉर 31st जुलाई। द टॉपिक ऑफ योर वर्कशीट इज योगा। छात्रों, आज की जो वर्कशीट है यहाँ पे क्लास 6 लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्लास 6, 7, 8 सभी क्लास के लिए है, और आपकी सैटरडे की जो वर्कशीट आती है वही है। इसमें केवल मिसप्रिंट हुआ होगा, 6 लिख दिया गया है। तो ये वर्कशीट आपकी 7, 8 के लिए भी है, और आपका योगा जो है इसका टॉपिक है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। योगा के बारे में हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, योगा के क्या बेनिफिट्स हैं और योगा हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है बॉडी माइंड और हेल्थ के लिए, वो सब चीज़ें हम जानेंगे। आपको हम इसे इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाएंगे, तो आप दोनों लोग इसको दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट योर नेम एंड योर क्लास टीचर नेम, योर नेम एंड योर क्लास टीचर नेम। नाउ लेट अस सी व्हाई योगा इज इम्पॉर्टेंट बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। पिक एंड चूज फ्रॉम द वर्ड्स बॉक्सेस। आपको अब यहाँ देखना है कि योगा हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ों का हमें फिल इन द ब्लैंक्स में करना है। देखिए, आपके सामने कुछ स्पेस दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड हमारे सामने क्या है, इतने ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वर्ड्स दिए गए हैं बॉक्स में। इनको हमें क्या करना है, यहाँ से पिक करके प्रॉपर जहाँ पे सुटेबल है, जहाँ पे जिस बॉक्स में वहाँ पे फिल करना है। तो लेट्स स्टार्ट। योगा हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ समझ लीजिए क्या है ये योगा। अब योगा इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, तो यहाँ हम क्या भरेंगे, अवेयरनेस, AWARENESS, अवेयरनेस। रिड्यूस स्ट्रेस, रिड्यूस स्ट्रेस। इम्प्रूव मेमोरी, यानी याददाश्त को तेज करता है। बैलेंस बॉडी एंड माइंड, योगा से हमारा बॉडी और माइंड का जो बैलेंस है वो बना रहता है। इंक्रीज, अब देखिए बैलेंस हो गया, मेमोरी हो गई, 4 हो गया, नेक्स्ट है 3 बचे हैं। टोन्स द मसल्स, हमारी मसल्स क्या होती हैं, टोन हो जाती हैं यानी फिट हो जाती हैं। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन। नेक्स्ट बच्चा, इम्प्रूव इम्यूनिटी, सॉरी ये इम्प्रूव लिखिएगा इस बच्चों, ये काट दीजिएगा, इम्प्रूव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। तो योगा हमारे लिए इतने तरीके से फ़ायदेमंद है, और भी कई तरीके हैं, लेकिन हमें इन सेल्फ अवेयरनेस यानी अपने बारे में हम जानते हैं, अपने बॉडी को कैसे अवेयर होकर रहना है, बॉडी को कैसे केयर करना है, स्ट्रेस कम होता है, हमारा मेमोरी तेज होती है, बॉडी माइंड का बैलेंस बना रहता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, और हमारी जो इम्यूनिटी है वो इम्प्रूव होती है, और बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो टोन्ड हो जाती हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। थिंक एंड राइट व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डू योगा, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द वर्क। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आपके सामने 3 पिक्चर्स दिए गए हैं, ये पिक्चर्स योगा के लिए बेस्ट हैं। आप इनके बारे में लिखना है कुछ चीज़ें, आप देखिए कुछ लेटर्स हैं वो मिसिंग हैं, अल्फ़ाबेट्स, उन्हें हमें क्या करना है, फिल करना है। योगा कब करना चाहिए, या तो मॉर्निंग में, यहाँ MORNING हो जाएगा, मॉर्निंग, इवनिंग,
इवनिंग हो गया, और मॉर्निंग या इवनिंग में कब, एम्प्टी स्टमक, EMPTY स्टमक, STOMACH ईयर, ये हमने सेकंड एक्टिविटीज की। नेक्स्ट थर्ड पे, लेट अस फिल द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड बॉक्स एंड लर्न द पोज एंड एज इंस्ट्रक्टेड। आपके सामने दो पिक्चर्स हैं, इनमें कुछ ब्लैंक्स हैं देखें, और हर उसके नीचे वर्ड बॉक्स है, 3-3 वर्ड्स दिए गए हैं, इनको प्रॉपर जो सुटेबल प्लेस है वहाँ पे हमें फिल करना है। और हमें दो आसन बताए गए हैं योगा के, उनको हमें क्या करना है, लिखना है, उनको इंस्ट्रक्शन दी गई, उनको करना है। तो पहला है ट्री पोज, इसे बोलते हैं वृक्षासन। सेकंड है बटरफ्लाई पोज यानी तितली आसन। अब वृक्षासन में क्या करना होता है, स्टैंड स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सीधा, STRAIGHT। प्लेस योर राइट हील ऑन लेफ्ट थाई, आपको अपना राइट हील देके लड़की ने यहाँ लेफ्ट थाई पे रख दिया है। स्ट्रेच अप योर आर्म, इसने अपनी पूरी ये आर्म स्ट्रेच मतलब ऊपर फैलाई है। एंड ज्वाइन हैंड्स, हैंड्स को क्या कर लिया है, देखिए यहाँ ज्वाइन कर लिया है, मतलब दोनों हाथों को एक साथ मिला लेना है हैंड्स। होल्ड फॉर फ्यू ब्रीथ, ब्रीथ यानी सांसें रोकनी है। स्विच साइड, और उसके बाद साइड को स्विच करना है, यानी आपको लेफ्ट हैंड जो है, लेफ्ट लेग है राइट हैंड की थाइस पर रखनी है, और पोज अपना शिफ्ट कर देना, मतलब चेंज कर देना है। ये आपका फर्स्ट आसन था, इसे बोलते हैं वृक्षासन। नेक्स्ट है बटरफ्लाई आसन, बटरफ्लाई पोज यानी तितली आसन, इसको देखते हैं। सिट, फर्स्ट में क्या होगा, सिट स्ट्रेट, यहाँ पे सीधे बैठ गई है। पुट योर फीट टुगेदर एंड नीज आउट टू द साइड्स, और आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेट बैठना है, दोनों पैरों को क्या करना है, साथ मिलाना है, और नीज आउट, आपकी जो नी है यानी घुटने को बाहर निकालना है। होल्ड द फीट, आपके दोनों पैर हैं उनको क्या करना है, फीट विद योर हैंड, अपने हैंड से पकड़ना है, होल्ड करना है। फ्लैप द नी लाइक बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई यानी तितली की तरह आपको अपने पैरों को फ्लैप करना है, जैसे पंख फड़फड़ाते हैं वैसे ही। ये आपका तितली आसन का इंस्ट्रक्शन था, ऐसे आपको करना है। फोर्थ एक्टिविटी, थर्ड है स्टूडेंट्स, फाइंड आउट 3 मोर योगा पोजेस, राइट देयर नेम्स बिलो, ट्राई देम एंड सेंड योर पिक्चर्स टू योर टीचर्स। नाउ यू हैव टू राइट 3 योगा पोजेस एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट, क्लिक द पिक्चर एंड शेयर विद योर टीचर। आपको 3 और योगा आसन, आपके स्कूल में जो योगा टीचर होंगे बहुत सारे उन्होंने कराए होंगे, आपको करना है, या आसपास भी आप देखते हैं आजकल योगा के बहुत सारे योग हैं, वो आपको करना है। लाइक आप फर्स्ट नंबर पे कर सकते हैं पद्मासन, सेकंड पे सूर्य नमस्कार, थर्ड पे आप शवासन कर सकते हैं, शवासन, ऐसे और भी आप अपने हिसाब से भी जो आपको जो इजी लगता है वो आप योगा के आसन यहाँ पे आप लिखेंगे, और अपने क्लास टीचर को वो करके उसकी पिक्स भी आपको शेयर करें। सो स्टूडेंट्स, हियर एंड्स योर वर्कशीट नंबर GS3 फॉर 6 to 8।